इंडियन माओइस्ट, आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। बास्टर्ड दी नेक्सल एक आने वाली हिंदुस्तानी जबान की एक फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं सिद्धुपति सेन, जबकि लाल शाह ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में अदा शर्मा, इंद्रस तिवारी, शुक्ला शिल्पा, यशपाल शर्मा लीडिंग रोल में नजर आने वाले हैं। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक फिल्म होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी नेक्सस के गिर्द घूमती है, जो आए रोज इंडियन आर्मी के जवानों को बेदर्दी के साथ मार देते हैं और आसपास के गांव की औरतों की इज्जत लूट कर इनके बच्चों को अपना गुलाम बनाते हैं। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अदा शर्मा की इनके इलाके में पोस्टिंग हो जाती है। अदा शर्मा का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इन नक्सलों के वहां से खत्म करवाना होता है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे पॉलिटिशियन उनकी मुट्ठी में होते हैं। अब अदा शर्मा को नक्सल्स के साथ साथ पॉलिटिशियन का भी मुकाबला करना है। फिल्म फुल ऑफ एक्शन से भरपूर मूवी होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो कि 2 मिनट 35 सेकंड का है। आप सब लोगों को इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस बार मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100 years of communism and 100 million deaths.